हो गया मैम, कितना स्कोर? 75. कैसा था आज का पेपर? वैसे 75 के हिसाब से थोड़ा डिफिकल्टी था, डिफिकल्ट था, वरना और अच्छा होता. कैटेगरी एक फर्स्ट. कैटेगरी क्या? ओबीसी जनरल? ओबीसी. ओबीसी से डीएड या बीएड आपका? बीएड. बीएड, ठीक है, थैंक यू. क्लियर दिख रहा मैम, कितना स्कोर किया आपने? कम है, ठीक है, थैंक यू मैम. मैम कितना स्कोर किया आपने? 97. कैसा था आज का पेपर? ठीक था. ठीक था. क्या क्या पूछा गया? सिलेबस के अकॉर्डिंग सब पूछा गया. थैंक यू. और चेक कर लेते हैं और कितना है. महोदय आपका पेपर था, कितना स्कोर किया आपने? 94. कौन सी कैटेगरी? फर्स्ट. डी एड या बी एड आपका? मेरा डी एड है. डी एड है. कैसा था आज का पेपर? सरल. थैंक यू. और भैया पेपर था आपका? नहीं मैम, पेपर था आपका? पेपर था आपका? कितना स्कोर किया? नहीं. हाँ भैया पेपर था आपका? कितना स्कोर किया? 90. और पूछ लेते हैं और किस. भैया पेपर था कितना स्कोर किया? स्कोर 90. ठीक है सर. पेपर था कितना स्कोर? 98. आपने? हाँ. आपने कितना किया? पूरा कितना? आपने कितना किया? 70. और पूछ लेते हैं मैम, कितना स्कोर? नहीं स्कोर. भैया कितना स्कोर किया? 103. कहाँ से हो? यहीं से, नीमच से. नीमच से. थोड़ा रुकना आप ही ना, अच्छे से लाइव लूँगा. थोड़ा नंबर पूछ लेता मैम, कितना स्कोर किया आपने? 85. आपने कितना किया मैम? नहीं मैम, कितना स्कोर किया आपने? 70. कैसा था पेपर आज का? अच्छा. कैटेगरी कौन सी आपकी? फर्स्ट. महोदय कितना स्कोर किया आपने? जाने दो. मैम आपने कितना किया? नहीं. वाह यार, होपलेस है. देखें आज, देखा जाए तो आज का पेपर. भैया कितना स्कोर किया आपने? 94. कैसा पेपर था आज का? मॉडरेट. मॉडरेट. मैम कितना स्कोर किया आपने? 90. कैसा था आज का पेपर? बहुत कठिन. क्या क्या पूछा गया बता दीजिए. मुझे नहीं पता. आपने कितना किया मैम? 71. ठीक है, थैंक यू. अच्छा पेपर ही कठिन था, ठीक है. और पूछ लेते हैं आपने कितना किया? मैंने 79. कौन सी कैटेगरी? ओबीसी. ठीक है मैम, कितना स्कोर किया आपने? 73. कौन सी कैटेगरी? एससी. पेपर कैसा था आज का? बढ़िया. मैम कितना स्कोर किया? मैम कितना स्कोर? अरे यार महोदय थोड़ा पीछे चले जाओ यार, इनको थोड़ा पकड़ पकड़ के पूछना पड़ेगा. चीन की दीवार की तरह खड़ा हूँ मैं. मैम कितना स्कोर किया आपने? कितना? 70. कैसा था आज का पेपर बता सकते हो थोड़ा एक्सप्लेन करके? नहीं मैम. आपने कितना किया? मैम आपने कितना स्कोर किया? मैम कितना स्कोर? कितना स्कोर किया आपने? 75. 75. कौन सी कैटेगरी आपकी? ओबीसी. बीएड या बीएड आपका? बीएड. कैसा था आज का पेपर? थोड़ा ठीक. क्या क्या पूछा गया ईवीएस वगैरह में? ब्लर बन रहा आप बोल. ठीक मैम, कितना स्कोर किया आपने? स्कोर 82. कौन सी कैटेगरी आपकी? थर्ड ग्रेड. कैटेगरी क्या? ओबीसी जनरल? ओबीसी. ओबीसी. बता सकते हो आज का पेपर कैसा था? नहीं मैम. आपने कितना किया स्कोर? अच्छा पेपर था. ठीक है, थैंक यू. भैया आपका पेपर था? मैम कितना स्कोर किया आपने? 69. कौन सी कैटेगरी? कैटेगरी ओबीसी. सर रुकना है ना, एक मिनट अच्छे से लूँगा. अरे दो मिनट आराम से रुको, मैं सबका नंबर चेक कर लेता हूँ पहले. हाँ आपकी हाइस्ट है, अभी तक कोई भी नहीं मिला मेरे को, इसलिए आप रुकना अच्छे से ले लूँ. मैम कितना स्कोर किया आपने? कितना स्कोर? 84. कौन सी कैटेगरी आपकी? सामान्य. कैसा था पेपर आज का? बीएड या बीएड आपका? नहीं बीएड. बीएड है, ठीक है, थैंक यू. और पूछ लेते हैं इधर. मैम पेपर था आपका? कितना स्कोर किया आपने? 97. कौन सी कैटेगरी? ओबीसी. बीएड या बीएड आपका? मेरा बीएड है. बीएड है. तो कैसा था आज का पेपर? पेपर तो कॉम्प्लिकेट था और क्वेश्चन के आंसर बहुत गलत थे. ईवीएस में कैसा क्या पूछा गया? ईवीएस का भी ठीक नहीं था और ना बाल विकास ठीक थी और मैथ्स थी तो इतनी घुमा रखी थी कि और एक दो क्वेश्चन के आंसर भी गलत. आपको सबसे बेस्ट पोर्शन कौन सा लगा? मैथ्स का जो थोड़ा मैथमेटिकल थी, क्योंकि मेरा मैथ्स था ना. अच्छा, इसलिए. मैथ्स में क्या क्या पूछा गया एक्सप्लेन कीजिए आप. मैथ्स में अनुपात से रिलेटेड और वर्गमूल वाले क्वेश्चन पूछे थे. अच्छा, और कुछ वो इंटरचेंज करने वाले क्वेश्चन. संस्कृत वगैरह? संस्कृत वगैरह भी ठीक थी, लेकिन जो लेवल आना चाहिए ना वो नहीं आया. ये लेवल पता नहीं कहाँ से निकाल रहे हैं वो समझ. थैंक यू. हाँ सर रुकना है, दो मिनट रुकना. हाँ
अरे हाइस्ट आप ही हाइस्ट हो इसलिए अच्छे से लाइव रिव्यू लूंगा मैं, इसलिए मेरी बात सुनो। हाँ आप लाइव चल रहा है, आप बोलिए, आपको जो पूछना है। मेरी बात सुनो, मैथ्स में क्या है कि मैथ्स में ना ट्रिकी क्वेश्चंस ज़्यादा, मैथ्स का क्या है लेवल अच्छा आ रहा है मैथ्स का, कुछ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी हैं, कुछ क्वेश्चन ठीक आ रहे हैं। और रही बात संस्कृत की, तो संस्कृत में क्या कि क्वेश्चन घुमा के ज़्यादा पूछ रहे, डीपली पूछ रहे। संस्कृत सबसे ज़्यादा डीपली आ रहा है और बाल विकास नॉर्मल आ रहा है और पर्यावरण भी नॉर्मल आ रहा है। मैथ्स ज़्यादा हार्ड है और बाल विकास मेन मैथ्स, संस्कृत और मैथ्स ज़्यादा हार्ड। लेकिन आप ही हाइस्ट लग रहे हो मेरे को, अभी तक हाइस्ट मैंने चेक किया 103 आप ही हो, 103 से ज़्यादा नहीं है किसी की, किसी की नहीं है, आप ही है। सिलेक्शन फिर भी आप ये मान के चलो कि सिलेक्शन की बात नहीं, अभी अभी आप बताइए कि ईवीएस में वो क्वेश्चन क्या क्या पूछेंगे। ईवीएस में एक जैविक घटक से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आ रहा है, और जैविक घटक से आया है एक आपके जो मेन जैसे अपने जीवन का सबसे उपयोगी पानी है, पानी पे दो क्वेश्चन थे आज। अच्छा पानी पे दो क्वेश्चन, पानी पे दो क्वेश्चन थे, और एक इसरो से रिलेटेड क्वेश्चन था, एक इसरो का था, और एक क्वेश्चन अपने अपने ग्रह का भी था, ग्रह का भी था, ठीक है। और मैथमेटिक्स कैसे पूछी, मैथमेटिक्स में वर्गमूल वाले सवाल थे और इंटरचेंज वाला भी सवाल था। अच्छा इंटरचेंज, और हाँ, और वर्ग में एक अनुपात का सवाल भी था, छोटा सा बहुत ईजी था, बस अनुपात का सवाल। और इसमें संस्कृत कैसी पूछी गई, संस्कृत तो हार्ड है। क्या क्या पूछा संस्कृत में, तो ये मान के चलिए आपके धातु लकार और सब पूछ रहे हैं, धातु भी पूछ रहे हैं, लकार भी पूछ रहे हैं, संधि भी पूछ रहे हैं, समास भी पूछ लिया इन्होंने सब। संस्कृत और मैथ्स का थोड़ा लेवल अच्छा है, अच्छा लेवल अच्छा था। और बाल विकास, हिंदी, हिंदी पर्यावरण और हिंदी सरल है। हिंदी कैसी पूछी गई, हिंदी में क्या क्या पूछा गया, हिंदी में ये मान, हिंदी में गद्यांश पद्यांश जो है ना वो बड़ा काफी दे दिया है इनको, साइज को थोड़ा छोटा करना चाहिए क्योंकि उसको पढ़ने में 10 समय ज्यादा बचा था। और रुकी रुकी आराम से, ढाई घंटे में कितने समय पहले आपने पेपर कर लिया था। मैंने कर लिया था 4 मिनट पहले। अब आगामी स्टूडेंट को किस प्रकार की तैयारी करने के लिए बोल सकते हो आप, आगामी स्टूडेंट को मैं यही बोलूंगा कि आप थोड़ा सा मैथ्स, मैथ्स का बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, और संस्कृत ज्यादा अच्छा आ रहा है, संस्कृत बहुत लेवल का आ रहा है। और चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी किस प्रकार की पूछी गई, नॉर्मल है, नॉर्मल ये उसमें ना शुरुआत से चलती है। हाँ, किसी भी की डेफिनेशन का जो राइटर है उसका नाम नहीं पूछ रहे हैं। अच्छा, नाम नहीं पूछ रहे, तो अगर नहीं याद करें तो काम चल जाएगा। रुकिए, और आपको सबसे बेस्ट पोर्शन कौन सा लगा, संस्कृत और मेरे को तो सबसे इजी मेरे साथ मेरे को मैथ्स लगा, क्योंकि मैथ्स में क्वेश्चन क्योंकि बेसिक अच्छा है ना, तो मैथ्स अच्छा। आपकी कैटेगरी कौन सी, 103 नंबर आप ही हाईएस्ट मेरे को लगे हो, तो कैटेगरी कौन सी, ओबीसी है ना, और डीएड या बीएड आपका, डीएड है सर, कितना स्कोर किया, थैंक यू भैया, है ना 105 एक और मिले, आइए आइए, अच्छा बैग दे, मैं तो तब तक पूछ लेता हूँ हाँ आराम से देना। हाँ सर कितना स्कोर, आपने पेपर नहीं, पेपर नहीं था, चलो पूछ लेते हैं, और थोड़ा तुरंत प्रवास से पूछ लेते हैं सर, रुकना है ना सर, आराम से लूंगा बेस्ट अकेला। हाँ आपने कितना स्कोर, लास्ट में रुकना भैया के साथ में, मैम कितना स्कोर किया आपने, कितना स्कोर, 64 भैया आपने कितना किया, 70 बढ़िया बढ़िया भैया आपका था पेपर, मैम पेपर था नहीं आपका, नहीं था ये राखी तो माधर की पीयूबीएल ऑनर, मैम पेपर था आपका, अभी हो गया ना, कितना स्कोर किया, 75 हाईएस्ट से क्या मतलब, अपने नंबर तो शेयर करो, 75 कौन सी कैटेगरी, ओबीसी डीएड या बीएड आपका, बीएड। कैसा था आज का पेपर, अच्छा था, बढ़िया। अब बताइए आपका पेपर कैसा था, अच्छा गया, अच्छा गया, क्या क्या पूछा गया, बहुत कुछ पूछते मैम, कितना स्कोर किया आपने, 90 कौन सी कैटेगरी, ओबीसी। कैसा था आज का पेपर, कठिन था, क्या क्या पूछा गया उसमें, उसमें संस्कृत में वो संधि आई थी और प्रत्यय वगैरह आए थे, और पेडागोजी वगैरह थी, एक गद्यांश था, एक पद्यांश था, और हिंदी में गद्यांश पद्यांश था, और एक उपसर्ग आया था, अव्यय भाव समास, ए वो सॉरी वो आया था समास आया था, समास आया, और उसमें मैक्स थी, पेडागोजी थी मैक्स में भी, तब सिलेबस से आउट ऑफ आया आज पेपर, ठीक है, थैंक यू। हाईएस्ट 105 नंबर हाईएस्ट, वो भैया खड़े सर, महोदय पेपर था आपका, कितना स्कोर, 92 कौन सी कैटेगरी, जनरल सर आपका पेपर था, कितना स्कोर किया, 105 रुकिए ना सर, आराम से दीजिए, वो 105 वाले भैया रुके हैं, आराम से रुके, अरे रुको रुको 2 मिनट, हम दूर के हैं, दूर के हैं तो भी रुको, 105 नंबर अच्छे हैं, राजस्थान के, हाँ राजस्थान के ना, वो भैया 105 है, आराम से रुको रुको, क्या क्या पूछा गया बताइए, मैं बताऊँगा मैं लास्ट में, आराम में आ रहा हूँ ना, कहाँ से आओगे आप, 105 क्या क्या पूछा गया बताइए, बंद कर दो गाड़ी, अरे चलते फिर बताएंगे, चलते, हाँ मैम पेपर था आपका, पेपर था मैम, पेपर था आपका, नहीं अभी मैम आपका था, मैम पेपर था आपका, क्या कोई बताना भी नहीं चाहता कि यार कितने स्कोर हैं, पूरी टीम खड़ी है उधर, अरे मैम नंबर शेयर करने बस, और कुछ नहीं पूछ रहा हूँ मैं आपसे, वाह यार भारत नारी शक्ति जिंदाबाद,
मैम कितना आपका कितना है? मेरा तो बहुत कम है भैया, मैंने तो तैयारी भी नहीं करी थी, मेरी तो 79 है। कौन सी कैटेगरी आपकी? ओबीसी कैटेगरी। बीएड या बीएड? है सर, बीएड है। बिल्कुल, थैंक यू। बस इतना तो पूछना है, भाग रहे हो सब। मैम डीएड या बीएड बता दीजिए, बस ये बता दीजिए मुझे, डीएड या बीएड। मैम आ जाओ मैम, डीएड या बीएड? डीएड। डीएड कौन सी कैटेगरी आपकी? मैम आपका कितना स्कोर किया? कोई बताने नहीं चाहता है यार, आपका नहीं था पेपर? आपका था पेपर भैया? अरे वाह यार, चलो आ जाओ आ जाओ। हाँ सिलेक्शन सबका है। बिल्कुल विनो भाई, कितने ब्रो, कितने पर नंबर? 96। कौन सी कैटेगरी? मैं ओबीसी। ओबीसी बता सकते हो सी डी पी में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए? अरे यार सी डी पी में तो कुछ नहीं है, वो पिया जी या जे पावला वावला इससे आया था। और मैथ्स रीजनिंग वगैरह के, मैथ्स में रीजनिंग कैसे पूछी? मैथ्स ईजी थी पर थोड़ी सी हार्ड भी थी। अच्छा हार्ड भी थी, और क्या क्या पूछा गया उसमें? बहुपद उपद ये सब पूछा गया। बहुपद वगैरह। और ई वी एस कैसा पूछा गया? ई वी एस ठीक भी था और हार्ड भी था, दोनों लेवल मिक्सअप है। मिक्सअप। और संस्कृत? संस्कृत तो यार मैंने पढ़ी नहीं। अच्छा, मेरे को आती भी नहीं थी। हाँ ठीक है, बैकग्राउंड अगर वो सही होती तो फिर भी अच्छा नंबर आ जाता। 110 मार जाता आराम से। आराम से। और हिंदी कैसी थी? हिंदी बढ़िया थी। ठीक है, थैंक यू, है ना, मिलते हैं ना। मैम आपका पेपर था? नहीं नहीं था, अब होगा ना। बढ़िया मैम, पेपर आपका अब है? बेस्ट ऑफ लक आपको। पेपर था आपका? नहीं। और पूछ लेते हैं यार, बहुत गर्मी है इधर। मैम पेपर था आपका? नहीं नहीं था, अब है? बेस्ट ऑफ लक आपको। तो देखा जाए तो आज के भी 105 टॉपर थे। और ये कितना मिनट का बनाओ आपको भैया? भैया 105 वाला भैया आ जाइए, आ जाइए आप। कि पेपर था आपका? कितना स्कोर किया आपने? 76 नंबर। 76 नंबर। आपने कितने हैं? 72 नंबर। 72 नंबर। 76 तो साथ में है, साथ में है। ठीक है, थैंक यू पंडित। और पेपर था आपका? अच्छा हो गया, आपके एक्सप्रेशन हो गया। भैया आ जाइए, 105 वाले भैया इधर। थोड़ा सा इधर आ गया, ट्रैफिक आ जाएगा। इधर 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 आ जाओ। हाँ 105 वाले जी, क्या नाम, शुभ नाम आपका? जी पवन कुमार नाम मेरा। पवन कुमार कहाँ से आप? मनासा तहसील और महागढ़ के पास में गांव है तुमड़ा करके। अच्छा वहाँ से हो। कितने नंबर है आपके? 105। 105। कौन सी कैटेगरी आपकी? EWS। EWS जनरल में। EWS। अच्छा है। तो बता सकते हो सी डी पी में किस तरह क्वेश्चन पूछेंगे? नॉर्मली था, अगर वैसे कहें तो कोई ज़्यादा कठिन है, मुझे तो ऐसा कोई ज़्यादा कठिन लगे। बस वो थोड़ी भाषा थोड़ी क्लिष्ट रहती है, पीईबी की वैसे ही नाम से पहचान है कि भाई थोड़ी सी क्लिष्ट है। बाकी वैसे जैसे सिलेबस में है कि आउट ऑफ ऐसा करनी है, पिया जैसे क्वेश्चन थे, वायुगोस्थिति क्वेश्चन थे, एक यूरी ब्राउन फिर जो इकोलॉजिकल मॉडल है परिस्थिति का वो था, और इसके अलावा भी जो कुछ समझ पे थे, एक क्लासिकल कंडीशन का भी था उद्दीपा जो स्टिमुलस ऐसा थ्योरी वाला, वो क्वेश्चन भी थे और इस तरह से थे। अब हिंदी की बात करते, हिंदी में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए? हिंदी में ग्रामर से रिलेटेड थे, पेसेज था उसके ऊपर थे। बिल्कुल सही। और ग्रामर में जो संधि समास ये थे बिल्कुल। और थोड़ा सा ये जरूरी है कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में हिंदी वाला ही चूज़ करके गया था कि हिंदी से शुरुआत करें, तो वो जो पेसेज होता है वो थोड़ा लेंदी होता है, तो उसके बेस पे क्या होता है फिर वो ऊपर नीचे जो है करते हैं समझते हैं, तो थोड़ा टाइम ज़्यादा हो जाता है। बाकी लेकिन हाँ, लेकिन बाकी अगर ओवरऑल देखें तो आखिरी में जाके वैसे टाइम मैनेजमेंट हो जाता है, ऐसा कोई इशू नहीं है। और हिंदी में क्या क्या पूछा गया? कवि कवित्री के बारे में पूछा गया? नहीं नहीं नहीं, केवल हाँ नहीं, केवल ग्रामर से छोटा मोटा जैसे संज्ञा एक तो विशेषण का था क्वेश्चन, दो एक दो संधि के थे, एक दो समास के थे, और एक शायद समास का था, एक उपसर्ग टाइप था कि किसमें उपसर्ग लग के समाज बन रहा है, वो प्रतिदिन वाला का ऐसा क्वेश्चन था जी। और इसमें क्या पूछा गया आपने संस्कृत में? संस्कृत में देखा जाए तो विभक्तियाँ थी, दो तीन क्वेश्चन थे विभक्तियों के, एक लकार का था और इसके अलावा एक संज्ञा उसमें विशेषण वाला एक पूछा था, विशेषण और विशेष्य का पूछा था, मतलब वो ग्रामर का है और बाकी उसी में जो ऑब्जेक्ट उसमें से चूज करना है। अब बात करिए मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में किस प्रकार क्वेश्चन पूछेंगे? मैथमेटिक्स में नॉर्मली था आपने जो लगभग अगर देखा जाए तो आठवीं तक की जो बेस गणित होती है उसके बेस पे ही थे, एक आध क्वेश्चन गलत था, हमने 12 के तीन हमारे जो थे उन्होंने हमारे साथ में थे लैब में उनसे भी डिस्कस करी, और एक और 12 के दूसरी लैब से तो उनसे भी डिस्कस करी थे, एक क्वेश्चन बिल्कुल तीनों का जो आंसर वो सेम आ रहा था लेकिन ऑप्शन में था ही नहीं। अच्छा, तो ये क्वेश्चन गलत थे, मतलब का कितने क्वेश्चन गलत अनुपात वाला था, एक क्वेश्चन उसके आंसर ही नहीं आ रहे थे। और लैब में हाईएस्ट आप ही हो? हां मेरे 105 पूरे तीनों चार लैब में आईपी है। अभी मुझे नहीं पता मेरी लैब में था, और तीन वाले भैया मिले मैं उसके बाद 105 वाले भैया, एक और भैया था 105 वाले। अच्छा अच्छा हां। और आप बताइए ईवीएस में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए? ईवीएस में जैसे पर्यावरण से थे कि भाई वो
वन संरक्षण नीति का जो अपडेट था उसको कौन सा ईयर था, इसके अलावा थोड़े बहुत साइंस के भी क्वेश्चन थे, अजय निम्निक थे पॉलिटिक्स।